एक वक्त था जब एक खामोशी ये तन्हाई मुझे काटने दौड़ती थी। अब मानो इसकी आदत सी हो चुकी है। याद आते हैं वो दिन जब मैं एक मजाकिया इंसान हुआ करता था। मेरे दोस्त तो मुझे नौटंकी बुलाते थे। सब लोग यही कहते थे कि तू रहता है तो साली बिल्कुल भी बोर नहीं होता। और मैं भी इस बात का हमेशा से ख्याल रखता कि जब तक मैं इनके बीच में हूँ तब तक हंसी मजाक का माहौल बना रहे। लेकिन मुझे क्या पता था सबको हंसाने वाला जोकर अब खुद को भी नहीं हंसा पाएगा। ऐसा लग प्यार चीजें ऐसी होती हैं। आज पता चला कि गुलाब के फूल को प्यार का प्रतीक क्यों कहा जाता है। गुलाब तुम्हें हमेशा ही आकर्षित करता है लेकिन उसके कांटे कभी दिखाई नहीं देते। पर जब तुम उसे हाथ में लेके घूमोगे तो पता चलेगा कि इसके कांटे हैं और ध्यान न देने पर चुभते भी हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिंदगी हमेशा ही नए नए पाठ पढ़ाती है। आज मैंने भी एक पाठ पढ़ा है। पर मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो मजाकिया इंसान फिर से वापस आएगा और फिर तब इन गुलाब के कांटों से ना उसकी खूबसूरती कम होगी ना उसकी कीमत। इसलिए मैं फिर से उस गुलाब का फूल को हाथ में लेना चाहूँगा पर इस बार कांटों को अनदेखा नहीं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, वो तो कांटा है, छुबे गए हैं, हमें आदत डालनी होगी। एनीवेज थैंक यू।